नमस्कार दोस्तों, मधुवन टेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो पर बात करेंगे इंस्टाग्राम रील्स गिफ्ट मोनेटाइजेशन के बारे में। कल मैंने रील्स गिफ्ट मोनेटाइजेशन कैसे इनेबल करना है, कैसे सेटअप करना है, कैसे पे आउट एड करना है, कैसे पेमेंट बैंक अकाउंट के अंदर आएगा, तब तक का पूरा प्रोसेस डिटेल में बता दिया था। कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। आज इस वीडियो पर बात करेंगे कि इंस्टाग्राम रील्स गिफ्ट मोनेटाइजेशन कैसे इनेबल होता है। आपको नहीं मिला है प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर सेटअप गिफ्ट रील का ऑप्शन नहीं मिलता है तो कैसे आप इसको इनेबल कर सकते हैं, इसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया या फिर एलिजिबिलिटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट कल जिनको भी प्रॉब्लम आ रहा था जिनका मोनेटाइजेशन स्टेटस के अंदर इन एलिजिबल कंट्री और रीजन का एक पॉलिसी इश्यू देखने को मिल रहा है, उसका क्या कुछ सॉल्यूशन है वो भी आज इस वीडियो पर क्लियर करके बताऊंगा। वीडियो इंपॉर्टेंट होगा आखिर तक देखो। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मधुवन टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी कोशिश आपको वक्त के साथ अपडेट रखने की होती है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ इंस्टाग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां पर सब कुछ एक एक लाइन आपको क्लियर करके बताता हूँ जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि इंस्टाग्राम गिफ्ट आर अवेलेबल टू सिलेक्टेड क्रिएटर्स एट दिस टाइम। अब ये बता रहा है कि ये कुछ सिलेक्टेड क्रिएटर्स को ही दिया गया है, बात सही है। पहले यूएसए में था, अब इंडिया में भी ऑफिशियली इसको लॉन्च कर दिया है। इंस्टाग्राम पर जो क्रिएटर्स इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज है उसमें बताया गया है कि अब इंडिया भी गिफ्ट मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो चुका है। इंडिया के अलावा कुछ और कंट्रीज के अंदर भी ये गिफ्ट मोनेटाइजेशन का ऑप्शन लॉन्च कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे यूजर्स को मिला है इंडिया में भी गिफ्ट मोनेटाइजेशन का ऑप्शन। ओके, यहाँ पर बताया गया है इंस्टाग्राम इज गिफ्ट अलाउड टू यू अर्न मनी फ्रॉम योर ऑडियंस, यानी कि व्यूअर कैन सेंड देयर एप्रिसिएशन क्रिएटर बाय सेंड अ वर्चुअल गिफ्ट ऑन देयर रील। क्योंकि कल मैंने आपको बता दिया था आप सेंड गिफ्ट को इनेबल करोगे यानी कि गिफ्ट मोनेटाइजेशन को इनेबल करोगे तो आपके रील्स पर सेंड गिफ्ट का ऑप्शन दिखेगा। व्यूअर चाहे तो आपको रील गिफ्ट सेंड कर सकते हैं वर्चुअल गिफ्ट, उस वर्चुअल गिफ्ट का उसको पहले स्टार बाय करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा, पैसे खर्च करना पड़ेगा, तब वो आपको वर्चुअल गिफ्ट सेंड कर पाएगा और वर्चुअल गिफ्ट को इंस्टाग्राम डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके एज अ क्रिएटर को पेमेंट देगा, इस तरीके से होने वाला था। राइट, अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 0.1 यूएसडी डॉलर, 100 स्टार पर $1 आपका बनेगा। कोई 100 स्टार आपको सेंड करता है तो $1 की आपकी कमाई होने वाली है। बताया गया है कि पे आउट ऑन इंस्टाग्राम, ये बात मैंने आपको बताई दिया था कि देखो $25 बताया गया है कि आप $25 आपके कंप्लीट होते हैं, थ्रेशोल्ड है तो आपको नेक्स्ट मंथ 21 तारीख को पेमेंट मिल जाएगा। $25 नहीं होते हैं तो आपको जाना होगा नेक्स्ट मंथ के अंदर। बोनसेस के अंदर $100 का थ्रेशोल्ड था बट ये गिफ्ट के अंदर $25 का थ्रेशोल्ड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, $25 पर आपको जो पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ 21 तारीख को आपके बैंक के अंदर भेज दिया जाएगा। नोट करके बताया गया है कि फेसबुक स्टार ऑन रील, फेसबुक पर स्टार मिलता है रील्स पर और इंस्टाग्राम पर गिफ्ट मिलता है, दोनों का काम सेम है, कोई चेंज नहीं है। अब फेसबुक पर आपके पास अगर कुछ स्टार है तो आपको उसको इंस्टाग्राम पर नहीं सेंड कर सकते। इंस्टाग्राम पर किसी को आपको वर्चुअल गिफ्ट सेंड करना है तो इंस्टाग्राम से ही प्ले स्टोर से सबसे पहले स्टार बाय करो, उसके बाद आप वर्चुअल गिफ्ट सेंड कर पाओगे। यहाँ पर देखो कहीं पर आपको फॉलोवर्स व्यूज का क्राइटेरिया देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इसका कोई है नहीं, कोई फॉलोवर्स चाहिए, कोई व्यूज चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जस्ट सिंपल इंस्टाग्राम रेंडमली दे रहा है न्यू टूल आर अवेलेबल ऐसा ऑप्शन दिखेगा। आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे तो आपको सेटअप गिफ्ट ऑन रील का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके आगे का प्रोसेस मैंने कल वाले वीडियो के अंदर बता दिया था, एक एक बात डिटेल में बताई थी तो आपको सेटअप करने में दिक्कत हो रहा है तो कल वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अबाउट पे आउट फॉर इंस्टाग्राम गिफ्ट। इसके अंदर कुछ चेंज है, हल्का सा चेंज है, जो कल मैंने बताया था इससे थोड़ा डिफरेंट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अबाउट पे आउट फॉर गिफ्ट ऑन इंस्टाग्राम, अब यहाँ पर देखो एक चीज आपको समझनी होगी कि रेवेन्यू शेयर फॉर इंस्टाग्राम गिफ्ट, इंस्टाग्राम टेक अ शेयर रेवेन्यू ऑफ एट दिस टाइम इन द व्यूअर परचेजिंग स्टार। अब जब व्यूअर स्टार परचेज करेगा मतलब जो व्यूअर होगा उसमें से कमीशन कटेगा, जब आपको पेमेंट रिसीव होगा उसमें से इंस्टाग्राम का कोई कमीशन नहीं रहेगा। जब एज अ व्यूअर मैं ऐसा रील देख रहा हूँ, किसी का सेंड गिफ्ट दिख रहा है, मुझे उसको अप्रिशिएट करना है, वर्चुअल गिफ्ट सेंड करना है, तो जब मैं सेंड गिफ्ट पर क्लिक करके स्टार बाय करने जाऊंगा तो उसमें इंस्टाग्राम का कमीशन होगा, बट क्रिएटर्स को जब मिलेगा उसका रेवेन्यू उसमें इंस्टाग्राम का कोई कमीशन नहीं होगा। और जब व्यूअर स्टार बाय करने जाएगा तो उसमें इंस्टाग्राम का तो कमीशन होगा ही, इसके अलावा एप्पल है तो उसका iOS है तो उसका एप्पल को कुछ चार्ज जाएगा, और एंड्रॉइड है तो उसका गूगल प्ले स्टोर को कुछ चार्ज जाएगा जहां से आप स्टार बाय कर रहे हो। इसका नॉर्मली चार्ज 30% होता है और होगा भी, क्योंकि जब आप स्टार बाय करने जाओगे तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट आपको मिलेगा जब कोई स्टार सेंड करेगा तो उसका आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। तो ये बाकी का जो बीच में जो कमीशन है वो जाता है एंड्रॉइड पर गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल फॉर iOS को। ठीक है, और कुछ कमीशन इंस्टाग्राम का भी रखेगा, ये बात है। यहाँ पर सीधे से
यहाँ पर इतना ही कुछ है, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जिनका एलिजिबल कंट्री और रीजन का इश्यू देखने को मिल रहा है, तो ये देखो अभी तक इंडिया एलिजिबल कंट्री के अंदर था ही नहीं, यूएसए के अंदर अवेल था, बट एक रैंडम से इंस्टाग्राम ने रैंडमली सभी को देना स्टार्ट कर दिया। तो अभी जो भी पे आउट सेटअप कर रहा है, या तो उनका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, उसका चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं है, या फिर सबको सिलेक्ट करने के बाद एलिजिबल कंट्री और रीजन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी देखने को मिल रहा है। अभी मैंने आपको कल भी बताया था कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कुछ गलत डिटेल नहीं डाला है, इंस्टाग्राम का प्रॉब्लम है, एक बग है इंस्टाग्राम को, जल्दी इसको सॉल्व करना है। अब देखो जब भी इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें दिखाई क्या देता है, एलिजिबल कंट्री लोकेशन और इफ इंस्टाग्राम चेंज प्रोडक्ट एलिजिबिलिटी। इंस्टाग्राम को यह प्रोडक्ट एलिजिबिलिटी को चेंज करना बाकी है, पहले यूएसए के अंदर था, अब इंडिया अदर कंट्री के अंदर लॉन्च किया है, बट उसका जो प्रोडक्ट एलिजिबिलिटी है उसको अभी इंस्टाग्राम ने चेंज नहीं किया है। जब तक प्रोडक्ट एलिजिबिलिटी चेंज नहीं होगा तब तक आपको इन एलिजिबल कंट्री का इश्यू देखने को मिलेगा। दोस्तों अब इन एलिजिबल कंट्री से एलिजिबल कंट्री होने के लिए वैसे तो इंस्टाग्राम इसको ऑटोमेटिक सॉल्व कर ही देगा, बट तब तक हमें एक काम करना है कि आपको इंस्टाग्राम को रिपोर्ट सबमिट करना है। रिपोर्ट सबमिट इंस्टाग्राम ऐप से मत करना, क्योंकि वहां से आपको रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। कहां से मिलेगा, जाना है अबाउट इंस्टाग्राम गिफ्ट, यहाँ पर आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम गिफ्ट मोनेटाइजेशन, तो आपको अबाउट इंस्टाग्राम गिफ्ट ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा instagram.com के नाम से, ठीक है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि कॉन्टेक्ट अस डायरेक्टली, तो आपको इस कॉन्टेक्ट अस डायरेक्टली पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पहले ब्राउजर के अंदर लॉगिन करना होगा, वैसे इस पेज का जो लिंक है डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, तो आप वन क्लिक के अंदर इस पेज पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जो है कुछ रिपोर्ट सबमिट करना होगा, क्योंकि यहाँ से आपको रिपोर्ट सबमिट करोगे तो उसका 100% इंस्टाग्राम रिप्लाई भी करता है और इंस्टाग्राम देखता भी है। आप इंस्टाग्राम ऐप से करोगे तो वहां से कोई बेनिफिट नहीं होता है, बट आपको इस ब्राउजर के थ्रू करना है। देखो आईजी गिफ्ट सपोर्ट फॉर क्रिएटर, यानी कि इंस्टाग्राम गिफ्ट सपोर्ट फॉर क्रिएटर। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन विथ इंस्टाग्राम, आपको अपना इंस्टाग्राम का जो हैंडल नेम है वो यहाँ पर एंटर कर देना है, देन यहाँ पर आपको अदर पे चूज कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम पेज यूआरएल, आपको अपने इंस्टाग्राम पेज का यूआरएल यहाँ पर डाल देना है। देन यहाँ पर आपको जो बॉक्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको कुछ इतना टाइप कर देना है जो मैंने टाइप किया है, इसको मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देन अच्छे से इसको जैसे मैंने लिखा है उस तरीके से लिख देना है। सबसे पहले हेलो इंस्टाग्राम टीम, देन लिखना आई एम फ्रॉम इंडिया, आई गॉट गिफ्ट मोनेटाइजेशन, इंडिया इज नाउ एलिजिबल फॉर गिफ्ट मोनेटाइजेशन, बट माइन एंड माई ऑल क्रिएटर फ्रेंड मोनेटाइजेशन स्टेटस इज शोइंग इन एलिजिबल, यानी कि इंडिया में ये ऑफिशियली गिफ्ट मोनेटाइजेशन लॉन्च हो चुका है, इंडिया गिफ्ट के लिए एलिजिबल हो चुका है, बट अभी हमारा गिफ्ट मोनेटाइजेशन का जो स्टेटस है वो इन एलिजिबल दिखा रहा है, मेरा भी नहीं, मेरे क्रिएटर दोस्तों का भी जो मोनेटाइजेशन स्टेटस है वो इन एलिजिबल दिखा रहा है। तो ऐसा आपको एक जो है रिपोर्ट लिख के इंस्टाग्राम को जस्ट सेंड कर देना है। यहाँ पर आपको अपना इंस्टाग्राम के साथ जो अटैच ईमेल है वो ईमेल डाल देना, ईमेल को एक बार कंफर्म कर देना, देन इसको जस्ट सेंड कर देना है। जितना हो सके ये प्रोसेस ज्यादा से ज्यादा करो, जितना इंस्टाग्राम के पास ज्यादा ये जाएगा रिक्वेस्ट जाएगी तो इंस्टाग्राम इसका जो प्रोडक्ट एलिजिबिलिटी है इसको जल्द से जल्द चेंज करने की कोशिश करेगा, जल्द से जल्द चेंज करेगा, और फिर जिनका भी ये इनएलिजिबल कंट्री और रीजन आ रहा है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये प्रोसेस जरूर कर लेना, एक बार जरूर कर लेना, जल्दी आपको इसका बेटर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब एक दो लोग करेंगे इससे फायदा नहीं होगा, इसको बल्क में करना होगा। बहुत सारे क्रिएटर जो भी वीडियो देख रहे हैं जरूर से ये प्रोसेस कर लेना, मैंने आपको डिटेल बता दिया है। फेसबुक पर पहले ये बहुत प्रॉब्लम आया था, क्रिएटर ने इस तरीके से रिपोर्ट सबमिट किए थे तो उनका ये सॉल्व कर दिया गया, तो इंस्टाग्राम पर भी 100% सॉल्व हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। इंस्टाग्राम पर कोई भी सेटिंग चेंजनी नहीं है, कोई भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपका नहीं है, इंस्टाग्राम का है, इंस्टाग्राम को प्रोडक्ट एलिजिबिलिटी चेंज करना है। आई होप आप पूरा वीडियो अच्छे से समझ चुके होंगे, गिफ्ट से रिलेटेड, इंस्टाग्राम गिफ्ट मोनेटाइजेशन से रिलेटेड। अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं गारंटेड आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को यहां तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।